सियासत से इस राजघराने की रियासत का पुराना इतिहास। इस लोकसभा सीट पर सियासत पर भारी पड़ती है रियासत। वो लोकसभा सीट जहां महाराजा से लेकर महारानी तक लड़ चुकी है चुनाव। आज कहानी उस लोकसभा सीट की जहां सियासत पर रियासत भारी पड़ी है और जहां प्रतिनिधि को भगवान बद्री विशाल का रूप मानकर जनता वोट डालती है। मैं बात कर रहा हूं टिहरी गढ़वाल की। टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से एक है और इस लोकसभा सीट पर बरसों से राजघराने का कब्जा किस तरह से रहा है इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा और साथ साथ बताऊंगा कि राजघराने से जो भी इस सीट पर प्रतिनिधित्व करता है उसको भगवान बद्री विशाल का प्रतिनिधि क्यों माना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होने हैं। उन 5 में से 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर लिया गया है और बीजेपी की उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी सीट से लड़ने वाली है। अब जरा सीट का हम इतिहास खंगाल लेते हैं। इस सीट पर 1952 में पहले जो आम चुनाव हुए थे टिहरी सीट पर, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कमलेंदुमती शाह ने पहली बार जीता था। उसके बाद महाराजा मानवेंद्र शाह ने कांग्रेस की टिकट पर लगातार 3 बार 1957, 1962 और 1967 में जीत हासिल की और तब से अब तक टिहरी लोकसभा सीट पर राजघराने का दबदबा देखने को मिल रहा है। और अभी तक कुल बात की जाए तो 11 बार टिहरी सीट पर राजघराने का कब्जा रहा है, यानी सियासत पर रियासत पूरी तरह भारी पड़ी है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सियासत की धुरी राजशाही के इर्द गिर्द, लेकिन स्वतंत्र भारत के लोकसभा चुनाव में टिहरी सीट की सियासत राजशाही के इर्द गिर्द घूमती नजर आई है। 1971 में जब लोकसभा चुनाव में मानेंद्र शाह को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने आज की बीजेपी और तब की जनसंघ पार्टी ज्वाइन कर ली। 1991 में बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और पहली बार बीजेपी टिहरी सीट पर खाता खोलने में कामयाब रही। मानवेंद्र शाह ने 1991 में टिहरी सीट से जीतकर संसद में दस्तक दी और तब से लगातार 1996, 1998, 1999 और 2004 में मानवेंद्र शाह ने बीजेपी को टिहरी सीट पर जीत दिलाई और लगातार सांसद बने रहे, लेकिन लंबी बीमारी के चलते 2007 में उनका निधन हो गया और उसके बाद उस सीट पर उपचुनाव हुए। टिहरी की सीट पर उपचुनाव में और कांग्रेसी प्रत्याशी विजय बहुगुणा ने कांग्रेस के सूखे को खत्म किया, जो हार का सूखा 1991 से चला आ रहा था उसे खत्म किया। उसके बाद 2009 में फिर से चुनाव हुए। 2009 में उत्तराखंड की 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और टिहरी की सीट पर 2009 में विजय बहुगुणा को जीत हासिल हुई। 2012 में विजय बहुगुणा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया और उसके बाद वहाँ दोबारा से उपचुनाव हुए। 2012 में उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा ने चुनाव लड़ा और बीजेपी ने मानवेंद्र शाह की बहू माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट दिया और 2012 के उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से माला राज्य लक्ष्मी शाह ने चुनाव जीता और वो सांसद गई। और उसके बाद 2014 के आम चुनाव में भी बीजेपी की जीत रही। 2019 में भी माला राज्य लक्ष्मी शाह का ही परचम लहराया और अब 2024 में एक बार फिर से बीजेपी ने राजघराने पर विश्वास किया है। राजशाही एक बार फिर से वहाँ टिकट पाने में कामयाब रही है और लोगों का भी राजघराने की ओर खासा प्यार रहा है। क्या कारण है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टिहरी की जनता टिहरी रियासत के राजा को भगवान बद्री विशाल का प्रतिरूप मानती रही है और उनके परिवार के हर एक सदस्य को बद्री विशाल के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है और यही भावना रही है कि टिहरी की जनता टिहरी की रानी माला राज्य लक्ष्मी को भगवान बद्री विशाल का प्रतिनिधि मानती है और वोट करती है। महारानी को किसी दल के उम्मीदवार के रूप में नहीं बल्कि भगवान बद्री विशाल के प्रतिनिधि के रूप में लोग वोट डालते हैं और अब तक कुल 11 बार टिहरी सीट पर राजघराने का दबदबा रहा है। 11 बार राजशाही परिवार के सांसद जीते हैं और एक बार फिर से अब चुनाव होने वाले हैं 2024 में और अभी भी माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट मिला है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार फिर से राजघराने की जीत होने वाली है? क्योंकि अभी तक तो यही देखा गया है कि टिहरी सीट पर हमेशा सियासत पर रियासत भारी पड़ी है और ये जानकारी जो है
हमारे सहयोगी ओंकार बहुगुणा ने जुटाई है, क्योंकि लगातार हम लोकसभा चुनाव पर आप कवरेज कर रहे हैं, आप तक हर जानकारी पहुंचा रहे हैं, लेकिन टिहरी की सीट को हर बार एक नए तौर पर देखने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब वहां प्रत्याशी किसी राजघराने से होता है तो वो और भी खास हो जाता है। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहें।